चलिए आगे बात करते हैं सिंधिया की। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का अशोक नगर दौरा था। बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो चुनाव हारने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और क्षेत्र के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोगों ने शानदार स्वागत किया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मंत्री भी इस मौके पर पहुंचकर अपने नेता का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अशोकनगर शहर के इतिहास में इतना बड़ा स्वागत समारोह नहीं आयोजित किया गया था। लोगों का मानना है कि इस तरह भव्य स्वागत समारोह इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला, और यहाँ तक कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार चुनाव जीतने के बाद यहाँ पहुँचे, लेकिन पहली बार इस तरह का स्वागत सत्कार उन्हें मिला। कांग्रेस के स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और जिन जिन इलाकों से सिंधिया निकले उन इलाकों को कांग्रेसियों ने दुल्हन की तरह सजा दिया था। कांग्रेस नेता के स्वागत पर मध्य प्रदेश सरकार के 5 मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रभु राम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर और साथ ही साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित जिले के कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं जिले के तीनों विधायक जजपाल सिंह जज्जी, गोपाल सिंह चौहान और ब्रिजेंद्र सिंह यादव भी मौके पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान सिंधिया ने एक जनसंपर्क कार्यक्रम भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आए और सभी की समस्याओं को कांग्रेस नेता ने सुना और संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव हारने का दर्द एक बार फिर छलका। उन्होंने कहा कि हम अति आत्मविश्वास में जीता हुआ चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि हम सोचते रहे कि एक वोट से क्या होता है, मगर इसी एक वोट की वजह से परिणाम बदल गया। इस दौरान सिंधिया ने लोगों से कहा कि भले ही आज यो यहाँ के सांसद नहीं है, मगर इस क्षेत्र से उनका हृदय का नाता है और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे। मैं लूंगा और एक एक आवेदन का समाधान भी मैं कराऊंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मेरा एक हृदय का संबंध आप सबके साथ रहा है और ये विश्वास दिलाता हूं अशोकनगर की जनता को और आपके द्वारा, क्योंकि आप सब मैं कहीं ना कहीं आपके दिल में मैं मानता हूं कि छोटा तो स्थान मेरा है, शायद संपूर्ण स्थान न रहा हो, इसलिए थोड़ी कमी रह गई थी इस चुनाव में। और कभी कभी हम लोग भी अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं कि जीती रहे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आज हम लोगों को आभास होता है कि एक वोट से भी कितना फर्क होता है। तो कभी भी अति आत्मविश्वास में मत रहना मेरी परिवार के सदस्य। प्रजातंत्र में मैंने सदैव कहा है कि सबसे बड़ा भगवान होता है जनता, क्योंकि जनता आम व्यक्ति को नेता बना देता है और जनता ही उस आम व्यक्ति को वापस जमीन पर लाकर